हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। हियर इन दिस क्लास वी विल डिस्कस दैट पैटर्न, ओके, दैट इज नथिंग बट द पैटर्न हैबिट्स, व्हाट वी आर ओबे, व्हाट वी आर फॉलोइंग, ओके। तो कौन से वे में हम पर्टिकुलर फूड्स को कैसे लेते हैं, क्या टाइम पीरियड में लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके बेसिस में मैंने कुछ वहाँ पे टाइप्स बताया गया, ओके। तो दैट इज नथिंग बट द ईटिंग पैटर्न ऑफ फूड। तो फूड यानी कि जो हम आहार लेते हैं, तो इट मे बी द लंच, इट मे बी द डिनर, वट एवर यू कैन से, ओके। तो जो भी हमारा फूड के जो एक्टिविटी रहती है, यानी कि ये फूड गुरु फूड है, लघु फूड है, यानी कि डाइजेस्टिबल फूड है, या फिर ये हमारे डाइजेशन करने के लिए हमारे बेनिफिशियल नहीं है, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी को देखकर हमें दैट पर्टिकुलर फूड को लेना चाहिए। लेकिन बाय इन द आज के मॉडर्न टाइम में, आज के मॉडर्न एरा में, हमारे जो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है, इनको इनके फॉलो करते समय हम ये सभी जो एक्टिविटीज होती है, जो रूल बताए गए एज पर द आयुर्वेदिक, या फिर जो भी वहाँ पे जो ओल्ड सजेस्ट है, उन्होंने जो अलग अलग अपने रूल्स बताए हैं कि फूड को लेते समय ये फॉलो करना है, ऐसे लेना है, इतना लेना है, एज़ पर योर प्रकृति लेना है, एज़ पर द वहाँ पे फूड कैसा है, वो गुरु फूड है या फिर लघु फूड है, इन सभी एक्टिविटी को, इन सभी स्किल को देखकर हमें क्या करना है, पर्टिकुलर फूड को चॉइस करना है। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में ऐसा कोई उसको वेरिएट या फिर डिफरेंशिएट नहीं करता है, और दे आर डायरेक्टली कंज्यूमिंग एनी फूड वॉट एवर देयर ऑन द दे डिज़ायर, ओके। तो डिज़ायर के बेस पे वो कोई भी फूड को ले रहे हैं, और वहाँ पे क्या हो रहा है, हैजर्ड इफेक्ट, और वहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर इससे देखने को मिलते हैं, ओके। तो दैट इज नथिंग बट द ईटिंग पैटर्न ऑफ फूड। ऐसे टोटल मैंने 6 वे बताया वहाँ पे, तो आज के क्लास में हम उस वे को देखेंगे। तो जिनमें से अशन, ये जो वे होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अशन मतलब नॉर्मल पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट, ओके। तो हम देखते डिस्कस करेंगे, ओके। तो दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट जो हमारा है, अशन मतलब नॉर्मल ईटिंग पैटर्न, जो हम फॉलो करते हैं एज़ पर द आयुर्वेदिक, या एज़ पर द आयुर्वेदिक रूल, या फिर जो हम नॉर्मली कंटिन्यू जो फ्लो करते हैं, यानी कि जो सात्यम्य है, जो नॉर्मली जो हमारी जो हैबिट बन चुकी है, जो हैबिचुअल है कि हम यही फूड लेते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, ओके। तो इसके बेसिस पे जो हम फूड ले रहे हैं, कि हमारा जो नॉन वेज है, तो नॉन वेज इट शुड बी एट द इन द दैट इज नथिंग बट द जो हमारा जो लंच होता है, इनमें हमें नॉन वेज लेना चाहिए। एट द डिनर वी शुड नॉट कंज्यूम दैट नॉन वेज, क्योंकि एज पर द आयुर्वेदिक, वहाँ पे जो हमारी जो अग्नि होती है वो वहाँ पे प्रदीप्त नहीं होती है। डिनर यानी कि जो रात के समय हमारा जो अग्नि होती है, वहाँ पे वात आधिक्य होता है, वात दोष का प्रिडोमिनेंस होता है, एंड ड्यू टू दैट क्या होता है, वहाँ पे फूड इनडाइजेस्ट हो सकता है। लेकिन एज पर योर चॉइस, अगर आप नॉर्मली लेते आ रहे हो, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वो सातवें बन गया है, सातवें मतलब वहाँ पे ऐसा हम टर्म में जो ओक साथ में बोलते हैं, मतलब हैबिट बन गई है, तो वहाँ पे हैबिट से भी कोई इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप जो हैबिट फॉलो कर रहे हो, इट शुड बी फॉलो, आपको फॉलो करना है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप करते हो तो बहुत सारे इसके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो नॉर्मल ईटिंग पैटर्न जो भी हो सकता है एज़ पर आयुर्वेदिक रूल जो बताया गया है, या फिर जो आप नॉर्मल फॉलो करते आ रहे हो, उसको आपको कंटिन्यू में एज कॉन्स्टेंट रखना है, ओके। तो दैट इज नथिंग बट द ओविंग ऑफ अष्टविध विशेष आयतनम एंड आहार विधि विधान, ओके। तो आयुर्वेद के अंदर ये रूल बताए गए हैं, इनमें रूल बताया गया है कि प्रकृति करण संयोग राशि, ओके, तो वहाँ पे देश काल, ओके, तो उपयोग संसार, तो उपयोग नियम, ओके। तो ऐसे टोटल 8 यानी कि अष्टविधि विशेष आयतनम, अष्टविधि विशेष आयतनम मतलब 8 तरीका बताया गया है कि इन विधि से आपको फूड लेना है। तो कौन से हैं, जैसे कि प्रकृति होगी, फूड गुरु है, फूड हमारे डाइजेस्ट करने के लिए हम उसको डाइजेस्ट कर मतलब पचा सकते हैं या नहीं पचा सकते, ये हो गया। देन अगर प्रकृतिकरण कुछ प्रोसेसिंग है, यानी कि फूड को हमें जैसे कि जो दूध होता है, जो नॉर्मली हम मिल्क जो मार्केट से लेके आते हैं, वो इट इज़ हैवी, ओके, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए हैवी होता है। डेट्स में हम क्या करते हैं, उसको गर्म करके लेते हैं, यानी कि गर्म करने के वजह से क्या होता है, वो लघुता उसके अंदर इंड्यूस हो जाती है। दैट इज नथिंग बट द करण मतलब प्रोसेसिंग, ओके। देन अगेन वहाँ पे संस्कार होता है, संस्कार मतलब वहाँ पे देन अगेन वहाँ पे कुछ हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, तो ऐड करने के जैसे क्या होता है, उनमें उनके प्रॉपर्टीज़ में इन्हांसमेंट दिखता है, ओके। तो जैसे कि इन्हांसमेंट एक अगर मैं बात करूँ सच्चा, जैसे कि दही को अगर जब हम मथते हैं, तो बाय जब हम उसको ट्रिचुरेट करते हैं, तो ट्रिचुरेशन से क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज़ जो दही के अंदर रहती है, दही के मथने से जो हमारा जो मक्खन जब बनता है, तो इनमें प्रॉपर्टीज़ इन्हांस देखने को मिलता है, यानी कि इनके प्रॉपर्टीज़ में हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो ऐसे टोटल 8 फैक्टर बताए गए, इनको हमें फॉलो करना
चाहिए. ओके, तो प्रकृतिकरण संयोग राशि, राशि मतलब क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी आप डाइजेस्ट कर सके उतना ही क्वांटिटी लो. आपको सडनली या फिर आप कहीं वहाँ पे वेडिंग पार्टीज में गए हो या फिर सच एस रिमिनेंस पार्टीज देयर, ओके, तो वहाँ पे आपको हैवी कंज्यूम नहीं करना है. एज़ पर योर अग्नि, जितनी अग्नि है, जितनी आपकी कैपेसिटी होती है डाइजेशन की, उतनी एज पर रिक्वायरमेंट आपको उतना ही लेना है. ओके, तो प्रकृतिकरण संयोग राशि. ओके, तो ऐसे टोटल 8 फैक्टर फर्दर स्लाइड में बताया गया. ओके, तो देन अगेन आहार विधि विधान मतलब ये रहता है कि आपको जो फूड होता है उष्ण फूड लेना है, ऑयली फूड लेना है, उष्णम स्निग्धम मात्रावत मात्रा फूड यानी कि प्रॉपर क्वांटिटी में लेना है. देन अगेन वहाँ पे जो आपको उपकरण इष्ट देशे इष्ट उपकरणम ऐसा फर्दर श्लोक के अंदर आता है. ओके, तो श्लोक ऐसा रहता है कि उष्णम स्निग्धम मात्रावतम जीर्णम वीर्यम विरुद्धम. ओके, इष्ट देशे इष्ट उपकरणम. ओके, देन अगेन वहाँ पे अहसनम अजल्पनम. ओके, ऐसा समथिंग टोटल 8 फैक्टर बताए गए यानी कि 8 स्केल बताया गया है. यानी कि आपको जो फूड आपने जो लिया आपको जो फूड लेना है वो गर्म फूड होना चाहिए, ऑयली होना चाहिए, उष्णम स्निग्धम मात्रापूर्वक होना चाहिए, उष्णम स्निग्धम मात्रा होता है जीर्णम, भोजन पच जाने के बाद ही आपको दूसरा फूड लेना है, वीर्यम विरुद्धम वो इनकॉम्पेटिबल फूड नहीं होना चाहिए, मतलब विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए. देन अगेन जीर्णम वीर्यम विरुद्धम. देन अगेन वहाँ पे इष्ट देशे इष्ट उपकरणम. इष्ट देशे इष्ट उपकरणम मतलब जिस पर्टिकुलर आप जो पात्र में जो पर्टिकुलर फूड आप लेने वाले हो आपको वो अच्छा लगना चाहिए. यानी कि दूसरे के कहने से आपको पात्र में यानी कि जिस पर्टिकुलर आप जिसमें भोजन करने वाले हो वो पात्र आपका एज़ पर योर चॉइस होना चाहिए. ओके, इष्ट देशे इष्ट उपकरणम. तो इष्ट देशे मतलब आपको जहाँ पे वो फूड बैठकर खाना है आप वहाँ पे बैठकर खाइए एज़ पर योर चॉइस. क्योंकि अगर आप किसी के स्ट्रेस पूर्वक या फिर किसी के फोर्स में अगर वो पर्टिकुलर फूड खाओगे तो इट कैन बी अजीर्ण, वहाँ पे अजीर्ण व्याधि हो सकती है. तो हम अजीर्ण व्याधि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, तो अजीर्ण व्याधि यानी कि इनडाइजेशन वहाँ पे देखने को मिल सकता है. तो एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर डिज़ायर, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए तो वो तो नहीं ले सकते हो, लेकिन जो आपको चाहिए तो अगर एज़ पर वहाँ पे इनलिस्टिंग में अगर बताया गया कि आप वो ले सकते हो तो आप दैट इज़ यू कैन टेक. ओके, तो एज़ पर रिक्वायर क्वान्टिटी आपको उतना ही लेना है. ओके, तो आहार विधि विधान मतलब वही रहता है कि 8 फैक्टर जो भी कुछ बताए गए हमारे चरक संहिता में वहाँ पे विमान स्थान में बताया गया. ओके, तो फर्स्ट अध्याय वहाँ पे विमान स्थान में बताया गया कि इन इन फैक्टरों को देखकर हमें क्या करना है, फूड लेना. ओके, तो ईट बाय नोइंग दैट गुरु लघु प्रॉपर्टीज ऑफ फूड. तो अल्टीमेटली ये इंक्लूड हो गया इसके अंदर कि जो फूड है हमारा वो हैवी टू डाइजेस्ट है या फिर वो लघु है, यानी कि हम उसको डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बेसिस पर हमें फूड देखकर ही लेना चाहिए. ओके, आहार को हमें उसके अनुसार ही लेना चाहिए. बाय दिस पैटर्न नो प्रॉब्लम सीन टू द पेशेंट. ओके, तो अगर आप आहार विधि विधि विधान या फिर अष्ट विधि विशेष आदना ये अगर आप फॉलो करते हो तो अशन मतलब ये अगर आप फॉलो करते हो तो नॉर्मली आपको कोई वहाँ पे डिसीज या फिर जो रोग होते हैं आपको देखने को नहीं मिलेगा. ओके, दैट इज़ गुड फॉर अ बॉडी. जो हमारा जो नेक्स्ट वे होता है अधि अशनम, इनको हम अध्य अशनम भी बोलते हैं. तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न होता है. हम नॉर्मली आज के मॉडर्न टाइम में ये कंटिन्यू इनके वजह से ही हमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं. ओके, तो दैट इज मतलब अधि अशनम बोलते हैं, ओवर ईटिंग जिसे हम बोलते हैं. ओके, तो कोई भी पार्टीज में हम जाते हैं तो वहाँ पे ओवर ईटिंग करते हैं. ओके, ओवर एक्टिंग नॉट ओवर ईटिंग. ओके, तो ओवर ईटिंग मतलब अधि अशनम, ज़्यादा क्वान्टिटी में हम फूड लेते हैं. तो आप जब बुक रेफर करोगे तो वहाँ पे अध्यशन लिखा गया है, तो मैं आपको तोड़ करके बता रहा हूँ, संधि वहाँ पे लगी गई है, अध्यशन वहाँ पे बोला गया है. मैं यहाँ पे तोड़ करके इसको हम रीड आउट करते हैं, अधिअशन. ओके, तो आप अधिअशन यहाँ पे मैंने अशन लिखना या फिर लगाना वहाँ पे मैं फॉरगेट हो गया. ओके, तो मात्रा जो होती है नॉर्मली हीन मात्रा या फिर अति मात्रा होती है. तो क्वान्टिटी अगर क्वान्टिटी ऑफ फूड की अगर मैं बात करूँ तो हम या तो कम मात्रा में भोजन लेते हैं या तो अति मात्रा में लेते हैं. तो अति मात्रा वाला जो मात्रा होती है उनको हम अधिअचन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं. दैट इज नथिंग मतलब अधिअचन कम्स अंडर अति मात्रा. ओके, तो अति मात्रा का डिफाइन करें तो अति मात्रम पुनः सर्वनाशु दोषान प्रकोपित. तो अति मात्रा से लिया हुआ जो फूड होता है वो त्रिदोष और प्रकोपित होता है, यानी कि तीनों दोषों को विशेषण करता है, तीनों दोषों की दुष्टि करता है. और तीनों दोषों की जब दुष्टि हो जाती है तो बॉडी में जाने के बाद अलसक और विसूचिका, ये दो डेंजरस प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है. बहुत ही डेंजरस ये डिसीज़ होते हैं अलसक और विसूचिका.
अलसक जो होता है, अलसी भूतम मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा जैसे कि कोलेरा जैसे व्याधि होती है, तो वहाँ पे क्या होता है जो अलसक यानी कि जो कोलेरा जो जिसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ओके, तो कोलेरा में क्या होता है वहाँ पे डायरिया भी होता है, वहाँ पे ओमिटिंग भी होता है, यानी कि आप इतना भोजन ले लिए हो कि ड्यूरिंग वहाँ पे हमारा जो अग्नि होती है, जो बॉडी होता है, इट इनकैपेबल टू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर दैट क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड, ओके, इतना क्वांटिटी आपने ले लिया है, ड्यू टू दैट क्या होता है पूरे बॉडी में तीनों दोषों का प्रकोपित हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है जो फूड इनडाइजेस्टेड जो एसिडिस जो बॉडी के अंदर एसिडिस जो स्टमक के अंदर जो पड़ा हुआ रहता है वो क्या होता है इन द थ्रू द एनल रीजन या फिर थ्रू द ओमिटिंग दोनों मार्गों से निकलना स्टार्ट होता रहता है, ओके, इन्हीं को हम बोलते हैं अलसक व्याधि। ये इतनी सीवियरिटी कंडीशन होती है पेशेंट की कि इनको ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बिसूचिका ऐसा ट्रीटमेंट होता है ये तो और उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, इनमें ना तो फूड की मूवमेंट होती है यानी कि फूड एसिडिस स्टमक के अंदर रहता है, और क्या होता है वहाँ पे जैसे कि अलसक में निकल रहा है यानी कि किसी भी मार्ग दोनों मार्गों से निकलता है, जो इनडाइजेस्टेड जो फूड है जो भोजन नहीं पचा हुआ है वो गुद मार्ग या फिर मुख मार्ग यानी कि दोनों एनल रीजन या फिर माउथ की ओपनिंग से दोनों साइड से निकलता है। जो विसूचिका जो ट्रीटमेंट होती है एस इट इज वहाँ पे बॉडी के अंदर रहता है, वो बॉडी से ना तो गुद मार्ग से निकलता है, नॉट नाइदर फ्रॉम दैट एनल रीजन एंड नॉर फ्रॉम दैट माउथ की ओपनिंग से, दोनों की ओपनिंग से, दोनों ओपनिंग जो होती है जहाँ से निकलने का जो मार्ग होता है वो दोनों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, दोनों वहाँ पे बाधित हो जाते हैं, ओके। तो इतनी सीवियरिटी देखने को मिलती है हमें दिस पर्टिकुलर अति मात्रा के आहार के देखने से, ओके। तो अति मात्रा भोजन जब हम लेते हैं तो आम दोष बन जाता है, आम दोष मतलब वो एंडोटॉक्सिन बॉडी में बन जाता है, इनडाइजेस्टेड कंटेंट बन जाता है जो कि अलसक और विसूचिका जो भी मैंने अभी जिसका डिस्क्रिप्शन अभी जस्ट मैंने बताया, ओके, तो वो देखने को मिल सकता है, ओके। अति मात्रम पुनः सर्वनाशु दोषाना प्रकोपित, तीनों दोषों को प्रकोपित कर देता है, अल्टीमेटली तीनों दोषों को प्रकोपित हो जाने के बाद अलसक और विसूचिका और आम दोष के जो लक्षण बताए गए वहाँ पे वाता जो लक्षण बताए गए शूल आना गैस होना पेट में या फिर वहाँ पे अलग अलग स्टमक पेन या फिर पित्त से अगर बात करें तो क्योंकि तीनों दोषों का प्रकोपित हमें देखने को मिलता है और वो अलग अलग दोष क्या करते हैं अलग अलग सिम्टम्स बताते हैं। वात की वजह से स्टमक में पेन होता है वेदना उत्पन्न होती है, पित्त की वजह से क्या होता है दाह इंड्यूस होता है, कफ की वजह से क्या होता है लॉस ऑफ अपेटाइट अग्निसाद और क्या होता है वहाँ पे बॉडी है पूरे बॉडी में उसको पेन ऐसा वहाँ पे फील होता है, ओके। तो अलग अलग जो दोष प्रकोपित हुए हैं उनकी वजह से अलग अलग लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं आम दोष लक्षण, ओके। तो आम बन गया, इन्हीं के आम बनने के बाद जो दोष प्रकोपित हो जाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आम दोष लक्षण ड्यू टू दैट विशेषण ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल थ्री दोषास, ओके। तो विशेषण ऑफ ऑल थ्री दोष टेकिंग प्लेस हियर द ओवर ईटिंग ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड अध्याशनम, अध्याशन इनको बोलते हैं, मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ फूड और आम और एंडोटॉक्सिन आर फॉर्म कैन बी फॉर्म दिस पर्टिकुलर बाय अध्याशनम बाय फॉलोइंग दिस अध्याशनम, ओके। तो अलसक एंड विसूचिका कैन बी सीन टू दिस पेशेंट, ओके। थर्ड वे जो होता है हमारा समाशनम दैट इज अगेंस्ट रॉन्ग पैटर्न, इसमें हम क्या करते हैं कि मिश्रम पथ्यम अपथ्यम यानी कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और जो नॉन बेनिफिशियल है दोनों को हम एक साथ टुगेदर कर दे रहे हैं, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली ये भी फॉलो नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे बेनिफिशियल नहीं है, रॉन्ग पैटर्न है, ओके। तो मिश्रम पथ्यम अपथ्यम व भुक्तम समोषणम मतम, ओके। तो भुक्तम मतलब होता है फूड को लेने की जो पद्धति होती है जो तरीका होता है उनको हम बोलते हैं भुक्तम, यानी कि जो हम फूड लेते हैं, ओके। तो मिश्रम मतलब मिक्स कर दिया हमने किनको, पथ्यम जो हमारे लिए अच्छा है, अपथ्यम जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो भुक्तम ऐसा हम आहार खाते हैं ऐसा हम आहार लेते हैं, समशनम इनको हम बोलते हैं समशनम मतम, यानी कि इनको हम बोलते हैं मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम, ओके। तो ईटिंग ऑफ मिक्स फूड द लाइक और अनलाइक फूड टुगेदरली, ओके। तो वही जो भी मैं मीनिंग बताया वही यहाँ पे जस्ट मैंने उसका मीनिंग इन शॉर्ट में लिखा है, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर समशनम, ओके। तो विरुद्धाशनम अब हम देखेंगे, विषमाशनम देखेंगे, ओके। तो अल्टीमेटली जो भी मैंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में बताया था, ओके, प्रीवियस स्लाइड में नेक्स्ट टू नेक्स्ट वहाँ पे स्लाइड में मैंने बताया था कि समशनम के बिफोर वहाँ पे मैंने बताया अधियाशनम, तो अधियाशनम समशनम ये सभी जो भी आसन के बाद में जो हमने रीड आउट करना स्टार्ट किया है तो वो सभी रॉन्ग पैटर्न के अंतर्गत आते हैं, ये सभी रॉन्ग पैटर्न होते हैं जो भी हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, इनको हमें निकाल देना चाहिए बॉडी से,
यानी कि हमें नॉर्मल पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट जो भी हमारा है उनको फॉलो करना चाहिए. ओके, विरुद्ध क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. इनकॉम्पैटिबल फूड, इनकॉम्पैटिबल फूड मतलब होता है कि इन्हीं को हम बोलते हैं विरुद्ध आहार. तो विरुद्ध आहार की डेफिनेशन अगर देखने जाएँ तो यह तो किंचित दोष उत्क्लेशम. अगेन यहाँ पे दोषों का उत्क्लेशन होता है, दोष जो होते प्रकोपित होते दोष बढ़ते हैं. यह तो किंचित दोष उत्क्लेशम न निर्हृति कायतः. ओके, तो अगेन यहाँ पे फर्दर श्लोक आता है कि तो यह तो किंचित दोष उत्क्लेशम न निर्हृति कायतः देन आहार जातम तत् सर्वम देन अगेन वहाँ पे फर्दर है कि विनाश ये तो सर्वान. ओके, तो गर्विषण उपम ऐसे समथिंग श्लोक है, गर्विषम उपमम. ओके, तो जो गर्विष जो यानी कि विरुद्धाचनम जो फूड ये तक किंचित दोष उत्क्लेशम न निर्हृति कायतः जो दोषों का प्रकोपित करे और क्या करे उसको बॉडी से निकाले भी नहीं. यानी कि जैसे विसूचिका के जो लक्षण मैंने बताया कि वो ना तो निकालता है बाय एनल ना तो माउथ की ओपनिंग से. तो ऐसे अगर कंडीशन आती है बॉडी से ना तो निकालता है और वो क्या करता है दोषों का विसर्जन करता है इंटरनली. और क्या करता है वो इन सभी फूड को एस वो हम कंपेयर कर सकते हैं अपने विष से. तो आहार जातम तथा सर्वम तो गर्भ विष उपमम. ओके, तो गर्विष हम इनको ऐसा बोल सकते हैं कि जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपने अंदर विष को ले रहे हैं. ओके, हम डायरेक्टली अंदर क्या कर रहे हैं अपने अंदर पॉइजन ले रहे हैं. ओके, तो इनसे कंपेयर किया गया है विरुद्ध आसन को. ओके, तो ईटिंग ऑफ बैड फूड और विरुद्ध फूड दैट इज कॉल्ड एज विरुद्ध आहार और विरुद्ध आसन. नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैज़ टू बी एक्सप्लेन विद दिस विरुद्ध आहार. ओके, तो सच एज संयोग विरुद्ध ऐसा हम दो पर्टिकुलर मिक्स फ्रूट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. जैसे हम समाचनम में मैंने बताया. ओके, तो दैट इज नथिंग बट संयोग विरुद्ध. संयोग विरुद्ध मतलब वही होता है कि वहाँ पे दो विरुद्ध आहार को हम मिला रहे हैं, जैसे कि मछली और जो हमारे जो दूध होते हैं फिश और जो मिल्क होते हैं इनका मिक्सिंग होता है जो कि बहुत ही ये इनकॉम्पैटिबल फूड आते हैं. इनमें वीर यानी कि वीर विरुद्ध के अंतर्गत ये इनका एग्जाम्पल आता है. मात्रा विरुद्ध, अगर आप विरुद्ध आहार आपको देखना है तो ऑलरेडी मैंने विरुद्ध एक वीडियो बनाया है विरुद्ध आहार के ऊपर. तो वहाँ पे टोटल 18 टाइप ऑफ विरुद्ध चरक ने एक्सप्लेन किया है. तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको वहाँ पे आप मेरे वीडियो से देख सकते हो. आप चैनल अकाउंट में मैंने ऑलरेडी आपको उसको पोस्ट किया. ओके, मात्रा विरुद्ध मतलब जितनी क्वांटिटी में सजेस्ट किया जाता है वो आप नहीं ले रहे हो, उससे ज़्यादा बियॉन्ड ले रहे हो. ओके, काल विरुद्ध. ओके, तो काल विरुद्ध मतलब पर्टिकुलर टाइम विरुद्ध, आप उस टाइम पे नहीं ले रहे हो. देश विरुद्ध, देश विरुद्ध मतलब जांगम देश, अनुप देश और साधारण देश जितने भी देश बताए गए वो आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनके रेजिमिन को फॉलो नहीं कर रहे. ओके, संस्कार विरुद्ध. ओके, संस्कार विरुद्ध मतलब वहाँ पे जैसे कि दही जो होते हैं उनको गर्म नहीं करना चाहिए, तो दही को गर्म करने की जो प्रोसेस होती है उनको हम बोलते हैं संस्कार. तो संस्कार विरुद्ध ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ संस्कार विरुद्ध, दही को गर्म करके नहीं लेना चाहिए. ओके, तो ये संस्कार विरुद्ध अल्टीमेटली कहने का मतलब है इनकॉम्पैटिबल फूड हमें नहीं लेना चाहिए, इनको हम बोलते हैं विरुद्ध दर्शन. ओके, तो विरुद्ध कैन लीड टू रक्त दुष्टि, ये रक्त का जो इम्प्योर यानी कि फ्रॉम प्योर टू इम्प्योर जो कन्वर्जन होता है रक्त का, जो रक्त धातु जो कन्वर्ट होती है ये उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, विशेषण ऑफ रक्त धातु कैन लीड बाय दिस विरुद्ध दर्शन. ओके, हमारा जो नेक्स्ट जो पैटर्न होता है अनशनम, जहाँ पे हम कोई फूड नहीं लेते. सच एज उपवास की जो कंडीशन आती है वहाँ पे हम अनशन करते हैं यानी कि हम कोई फूड नहीं लेते. तो इसकी वजह से क्या होता है बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं. तो अगर आप एक दिन का उपवास है ओके तो दैट इज़ चलेगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप वहाँ पे डिज़ायर है, आपको फूड लेने की डिज़ायर है और बाय किसी के स्ट्रेस में या फिर किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप फूड नहीं ले रहे हो तो बॉडी की जितनी भी फंक्शन होती है वो हम पर हमें देखने को मिलते हैं. तो वो देख सकते हो आप फास्टिंग कॉल अनशन. ओके, तो नॉट ईटिंग एनीथिंग, इंद्रिय दौर्बल्य हमें देखने को मिलता है बॉडी एक. ओके, अंग साथ वहाँ पे जिसे देखने को मिलता है इंद्रिय दौर्बल्य बॉडी एक, लॉस ऑफ ऑल सारता ऑफ इच धातु. ओके, तो जितने भी सार होते हैं यानी कि जो रक्त धातु होता है कॉम्प्लेक्शन स्किन कॉम्प्लेक्शन में इसका यूज़ होता है. जो रस धातु होता है वो तृप्ति करता है सभी धातुओं सॉरी सभी टिश्यूज़ को उसके जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी आपूर्ति करता है. ओके, जो मांस धातु होता है वो हमारे बॉडी का बिल्डअप होता है. ओके, जो बोन टिश्यू होता है हमारे जो पोस्चर होता है बॉडी का मेंटेन करके रखता है. तो कहने का मतलब है कि रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र ये जितने भी सात धातु जो बताए गए हमें आयुर्वेद के अंदर, तो इनका क्या होता है लॉस हो जाता है. ओके, लॉस ऑफ इम्यूनिटी वो ओज. ओके, जिसे हम एसेंस ऑफ इच धातु जिसे हम बोलते हैं ओज, ओजो की दृष्टि हो जाती है. लॉस ऑफ बॉडी स्ट्रेंथ. ओके,
तो इट शुड बी परफॉर्म एट वंस इन अ वीक, नॉट होल वीक एक्सेप्ट वन डे. ओके, तो कहने का मतलब है कि आपको पूरे वीक में एक दिन उपवास रख सकते हो, नॉट पूरे वीक हमें नहीं खाना है, एक दिन हमने खाया, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए. ओके, तो लंगन इज इम्पॉर्टेंट बट फॉर दोस हु अंडरगोइंग अपतर्पण ट्रीटमेंट. ओके, जो मोटे लोग होते हैं, जो फैटिगी पेशेंट होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम अपतर्पण ट्रीटमेंट बोलते हैं. और ड्यूरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग जो जिनके लिए बोला गया है उन्हीं को सिर्फ लंगन किया करना चाहिए, उन्हीं में अनशन ये वहाँ पे तरीका करना चाहिए. विषमाशन मतलब होता है इररेगुलर हैबिट ऑफ ईटिंग. हम कभी भी फूड ले रहे हैं, हमने फुटबॉल खेलने गए, हम प्ले ग्राउंड में गए थे, क्रिकेट खेलने गए, तो हमने लंच का टाइम नहीं किया. ओके, वहाँ पे हमारा जो लंच का टाइम था, दैट इज नथिंग बट वॉट एवर योर टाइम, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. ओके, तो हमने आके 6 o'clock को वो लंच टाइम किया. तो ये इररेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट है. कोई भी हम टाइम पीरियड पे अपने भोजन को ले रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो लीड टू दोष प्रकोप. ओके, अकाले बहुच अल्पम, आप बहु खा रहे हो, बहु मतलब अधिक क्वांटिटी में खा रहे हो या फिर कम क्वांटिटी में खा रहे हो, लेकिन अकाल में खा रहे हो, यानी कि कोई टाइम पीरियड नहीं है उसका. अकाले बहुच अल्पम वा भुक्तम तू विषमाशनम. ओके, तो इररेगुलर पैटर्न ऑफ और हैबिट फॉर मील्स, ईटिंग डे फूड एट 5 PM और डिनर एट 12 PM. ओके, तो आप देख सकते हो टाइम में बता रहा हूँ, 12 यानी कि 12 बजे आप रात को खा रहे हो और 5 बजे आप शाम को खा रहे हो, दोपहर का भोजन 5 बजे और शाम का भोजन 12 बजे खा रहे हो, तो ये दैट इज़ नॉट गुड. ओके, फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, कैन लीड टू विषमाशन ऑफ दोष प्रकोप. ओके, अकाल विदाउट टाइम और एनी टाइम आप फूड को खा रहे हो, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट. ओके, तो जैसे कि सम दोष समग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थम इति अभी दिए थे. ओके, तो ये जो श्लोक आता है स्वस्थ व्यक्ति का, तो स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत सम धातु सम अग्निश सम धातु सॉरी कैसा मैंने श्लोक रीड आउट किया, सम धातु समग्निश सम सॉरी देन सम दोष समग्निश सम धातु मलक्रिया, ऐसा समथिंग श्लोक है कि तीनों दोषों का बैलेंस होना चाहिए. तीनों दोष जो अग्नि होती है वो हमारी सम अग्नि होनी चाहिए और जो धातु होते हैं सम धातु होने चाहिए. सम दोष समग्निश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थम इति अभी दिए थे. इनको हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं. तो अगर सम दोष यही नहीं रहेगा, तीनों दोष हमेशा प्रकोपित ही रहेंगे, तो सम स्वस्थ व्यक्ति कैसे हो सकता है. तो इन सभी का आपको विचार करके, इन सभी का आपको थिंक करके, आपको अपने जो पैटर्न होती है ईटिंग हैबिट, इनको कंट्रोल करना है, इनको आपको मेंटेन करना. ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट. इनमें से जो हमारा आसन जो एक्टिविटी होती है ये बेस्ट होता है. ओके, थैंक यू.